नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी के लक्ष्मणा और लखनदेई नदी किनारे बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा सुबह में हुआ है और यहां पर दो मंजिला मकान नदी किनारे होने से पानी के असर से जड़ से उखड़ कर जमींदोज हो गया, नदी में डूब गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे लक्ष्मणा नदी किनारे दो मंजिला मकान जमीन में गिरकर जमींदोज हो गया। आप देख सकते हैं कि मकान का जो पिलर नजर आ रहा है, ये वो पिलर होता है जो जमीन में गिरा हुआ हिस्सा होता है। दो मंजिला मकान जमीन में गिरकर डूब गया, पूरी तरह से मकान गर्क हो गया है। मैं आपको बताऊं कि मकान वाले लोग, जब उनका मकान हिलने लगा तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शायद हमारा मकान जो है वो पूरब की तरफ झुक रहा है। ऐसे में तमाम लोग धीरे धीरे निकलकर घर से बाहर भागने लगे और जैसे ही आखिरी व्यक्ति मकान मालकिन घर से बाहर निकलती है, मकान सीधे नदी में जा गिरता है। और हमारे साथ कुछ लोग भी, मैं आपको बताऊं कि ये लखनदेई नदी है जो सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच गुजरती है। ये वो लखनदेई नदी है जो हमेशा सूखी हुआ करती थी। इस नदी में जल लाने के लिए, नदी का उड़ाही करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमेशा आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद भी जल नहीं आया। लेकिन ये सैलाब इस तरह से मुसीबत का पहाड़ बनकर आया है कि सीतामढ़ी के 273 पंचायत भी पूरे के पूरे अछूते नहीं रहे। तमाम पंचायत लगभग जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि राहत सामग्री जिला प्रशासन और सरकार द्वारा बांटी जा रही है, लेकिन वो राहत सामग्री नाकाफी है, इतनी नहीं है कि जिससे लोगों के दुख दर्द सही में बांटे जा सके। मैं बात करता हूं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ। आ जाइए ना यहाँ पे। और इस वक्त जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर। जी जी जी, क्या हुआ था हादसा? सुबह सुबह साढ़े 6 बजे करीब में जी, माने उसमें 4-5 लोग थे उसमें जी, और मकान धीरे धीरे हल्का हल्का सा मान क्रेक होने लगा है। हाँ। तो उसमें भीतर से गंध आने लगा है, तो गंध आने लगा है। अच्छा अच्छा, मिट्टी का फैल। उसके बाद एक आदमी ने देखा है तो कहा भाई क्या चीज है, तो वो कहा ठीक है देखो गंध का, दूसरा का है, तीसरा का है, तो कहा देख रहे, तब देखा मकान फट रहा है। तो उसके बाद आदमी उसमें से बाहर निकला है और निकल के जब ये, तो मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है सीतामढ़ी और दो मंजिला मकान जबकि गिर चुका है, जमींदोज हो गया, पानी में गर्क हो गया। वही 3-4 और ऐसे मकान हैं जहां दरार आ गए हैं। जी फिर क्या हुआ? उसके बाद दरार फट गया है, उस समय मकान गिरने लगा, आदमी जैसे ही बाहर आया है तो माता जी अपना नदी में मकान ले चुका हुआ है। उसके बाद तुरंत गए हैं, राशा लेकर आए हैं और उसमें से सामान धीरे धीरे नदी माता ने मकान को अपने गोद में ले लिया, गोद में ले लिया। अब क्या बचा है इनके पास में? इसके बाद बहुत बहुत सारा सामान उसमें, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, बचा है उसमें से बचा है, सामान नहीं निकाल। अच्छा, आप ही मकान मालिक हैं? क्या हुआ? हम तो सवेरे 5:30 में जगे हैं, जगने के बाद बाथरूम गए, निकले हैं तो बाहर निकले तो देखे हमारे मकान के आजू बाजू में पीला पीला कुछ गंदा मिट्टी टाइप का निकल रहा था। अच्छा, नीचे से? नीचे से। अच्छा। तो हम बोले कि क्या निकल रहा है, उसके बाद हम लैट्रिन गए, लैट्रिन से आए फिर भी जगह कोई सतल फटा उठा नहीं था, तो सचेत हो जाते कुछ सामान में निकाल पाते। उसके बाद हम क्या किए, जो लैट्रिन से आने के बाद हम 3 मंजिल पर गए, जब ऊपर गए तो मेरा रेंटर कपड़ा धो रहा था। 3 मंजिल मकान था? हाँ। तो हम बोले बेटा क्या हो रहा है, क्या बगल से गिर रहा है, ये सब निकल रहा है, आंटी जी पता नहीं चल रहा है। कहते हैं हमारे हस्बैंड हमारे हमसे पहले नीचे उतर गए, हम ऊपर ही रह गए बात करते हुए देखते हुए नीचे नीचे। तो मैं आपको बताऊं, मेरे बगल में 3 आदमी का जमीन है, तो उन लोगों का भी। अच्छा, ये जमीन आपकी अपनी है या फिर नदी की जमीन है? नहीं, मेरी अपनी है, मेरे बाप 3 आदमी का। लोग बताते हैं कि नदी की जमीन में जब मकान बनाएंगे तो ऐसा होगा। कुछ बात नहीं है, जमीन था उन्होंने बेच लिया। हेलो। तो माता लक्ष्मणा नदी ने 2-3 मंजिला मकान को नील कर लिया है और मैं बेहद अफसोस के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर भी मकान है जिस मकान में दरार आने शुरू हो गए हैं और मकान के पास जाना थोड़ा खतरा है। ये मकान उस तरफ लिप रहा है, उस तरफ झुक रहा है और सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। हालांकि SDRF की टीम यहाँ पर आ करके जा चुकी है, जिला अधिकारी को खबर दिया गया, जिला अधिकारी ने कहा है कि वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इनके पास जो पीड़ित है, अच्छा सामान और सामान वगैरह निकाल पाई है कि नहीं निकाल पाई? एक कपड़ा भी नहीं निकाल पाए, हम तो नाइटी पहने हुए थे। कुछ खाए पिए कि नहीं अभी तक? कुछ नहीं। अरे ब्रश तो अभी ब्रश मंगा के ब्रश किया अभी दोनों आदमी हम तो। तू किसी को इस कदर भी ना आजमाना या रब के गम के बोझ से घबरा के खुदकशी कर ले। कभी कभी ऊपर वाला तो इम्तहान लेता है, लेकिन इम्तहान कभी कभी इतना सख्त हो जाता है, वो परीक्षा इतनी सख्त हो जाती है कि आदमी के पास लाचारगी और सिवाय मतलब अकेलापन के कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे ही हालात में
लोगों के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो आदमी दूसरे किसी हादसे को करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम तो बस इंसान हैं और हम बस सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे हालात में पूरे जिला सीतामढ़ी उत्तर बिहार के तमाम लोगों को मैं ये अपील करूंगा वाचव सीतामढ़ी के माध्यम से कि आप अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने वार्डों में जो लोग भी पीड़ित हैं, जो लोग भी इस तरह से बेघर हो गए हैं, आप अपने घरों में उनको जगह दीजिए, आप उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करिए। क्योंकि ऐसे ही हालात में जब तक के आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक इंसानियत का चेहरा जो है वो खूबसूरत होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ता। आपकी मदद ही इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा होगा। जी हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता है, किस तरह से मदद कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो खाने के जरूरत सामान है उन लोगों को पहुंचाना है, वस्त्र भी पहुंचाएंगे। अभी हम जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार में 2015 में भाजपा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। नहीं, इसकी बात नहीं। आपका विधानसभा भी डूब गया पूरा? मेरा विधानसभा भी डूब गया, मैंने वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन मैं अपने घर से निकल कर यहाँ पाकर हमने बाजपट्टी में क्या कर रहे हैं आप लोग? बाजपट्टी में भी राहत सामग्री हम भेजे हैं और यहाँ के लिए बाजपट्टी में कितनी जरूरत है? बाजपट्टी में भी बहुत बुरा हाल है, आपको 1 लाख पैकेज से ऊपर जाएगा, इसके बाद ही हर गांव घर को मिल पाएगा। सरकार ने 6,000 रुपया मात्र का ऐलान किया है, 6,000 से क्या होगा? 6,000 रुपया में 1 मंथ 5 दिन का खाना भी बाद में नहीं हो पाएगा, कारण की जो भी व्यापारी लोग के तत्व है वो लूटने पर भिड़े हुए हैं। जो सामान आज से 2 दिन पहले यदि 10-20 रुपए किलो था, आज वो 30-35 रुपए की हो गई है। इसीलिए तो हर फायदा उठा रहा है, हम हर नौजवान से मदद गाना हैं। हालांकि मुद्दा एक अलग भी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि नदी की जमीन में घर बनाया गया था जिसके वजह से नदी ने उन तमाम मकानों को नील लिया है। हालांकि जो मकान मालिक है, मकान मालकिन है, उनका यह कहना है कि ये जमीन उनकी अपनी जमीन है, उनकी खरीदी हुई नीज जमीन है और इस 2005 से इस मकान में रह रहे थे। मैं ये भी बताऊंगा कि सीतामढ़ी जिला जो है वो भूकंप के वी जोन में है, उसके बावजूद भी इस मकान का जो नींव है, आप नींव देख रहे हैं, बेहद कमजोर था। ऐसे कमजोर मकान के नींव जब पड़ेंगे, ऐसे तो आपका जो जिला है सीतामढ़ी वो बेहद अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ भूकंप के बिल्कुल आप पीठ पर हैं। तो आपका मकान बने तो आप भूकंप विरोधी मकान बनाए, ऐसा बनाए कि मकान के नीचे का जो नींव है उसमें इस तरह के बेस पड़े हो, आपस में तार और छड़ के जो है वो जाले ऐसे बुने हुए हो कि अगर एक तरफ का पिलर गिरता हो तो दूसरा पिलर उस हिस्से को टान ले, अपनी तरफ खींच कर ले या फिर उसको सपोर्ट दे दे। तो ऐसे मकान बनाने की जरूरत है सीतामढ़ी में। 3 मंजिला मकान लखनमना नदी बाईपास के किनारे 3 मंजिला मकान गिरकर पानी में जमींदोज हो गया है, पानी में डूब गया है। 4-5 और मकान यहीं पर सटा हुआ ये मकान है, जी हाँ ये मकान है, ये मकान भी धड़कने लगा है और तकरीबन बताया जाता है कि 6-7 इंच ये मकान जो है ये नीचे की तरफ धंस चुका है। तो बड़े हाथ से हो सकते हैं, जिला प्रशासन को चाहिए कि पहले कि नदी किनारे से इन मकानों में सपोर्ट दे, या फिर कह लें कि जो सैंड होता है या फिर गिट्टी विट्टी से कंक्रीट से पत्थर से इन मकानों के पीछे जो है वो बल ऐसा लगाए जिससे मकान को तत्काल गिरने से रोका जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी जिंदगियों की जिंदगी जो है, सांस जो है वो दांव पर लग जाएगी। तो फिर से मैं अपील करता हूं कि तमाम लोग सावधान रहिए, अपने अपने घरों से अगर पानी घुस गया तो ऊंचे स्थानों पर निकलिए, ऊंची जगह पर करिए। क्योंकि जैसा कि नेपाल की तरफ से बताया जा रहा है कि नेपाल में लगातार भारी वर्षा हो रही है और बार बार जो है हमेशा जो वहां पर बहुत सारे जो बराज हैं कोसी बागमती वगैरह के वो सब बार बार खोले जा रहे हैं और पानी बार बार आ रहा है। तो अभी भी कई दिन 3-4 दिन और ऐसे अगले दिन है जब भारी बारिश होने की आशंका है। तो आप सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों की मदद करिए, जब तक कि आप मदद नहीं करेंगे तब तक के ये मामला ऐसा हल होने वाला नहीं है। हालांकि सीतामढ़ी में सेना की जरूरत है, अगर सही में सेना उतर जाए तो जो काम 4-5 दिनों में होगा वो काम सेना 2 दिनों के अंदर संभाल लेगी और सेना तमाम लोगों तक राहत सामग्री सही सही पहुंचा देगी, क्योंकि सेना इन तमाम कामों में दक्ष होती है। और ऐसे हालात आ गए हैं कि अब SDRF और NDRF की अभी कम पड़ रहे, चूंकि सरकार ने भी साधन बहुत कम दिया है तो सरकार को साधन बढ़ाना चाहिए और वो पैकेज जो आप बाद में देंगे वो तत्काल भेजें, फौरन भेजें और जल्दी भेजें। हालांकि सरकार ने कल 7 सहायक DM को हर जिलों में नियुक्त किया है और सीतामढ़ी में भी 1 सहायक DM नियुक्त किए गए हैं। तो देखते रहिए वाचव सीतामढ़ी बिहार और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अब अपनी जिंदगी और खास करके अपने बच्चों को पानी में आने से रोकिए।
धारा 144 तो लागू किया गया है, लेकिन तमाम बच्चे और युवा जो है धारा 144 का गर्दा उड़ा रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पुलिस इस मामले में फेल है, नाकाम है। पुलिस के सामने में बच्चे नदी में कूद रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये कूदना, ये उनका सेल्फी लेना उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकता है। देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए।